दादी, धर्म जी और जग्गी अंकल ने समीरा, पिंकू और भवानी को जेल में भिजवा दिया है। चलो, ये एक काम अच्छा हुआ। कभी ना कभी तो ये होना ही था। अब कोई हमारे घर में घुस के हमें परेशान नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने उर्मिला बहन, बुरे का अंत तो ऐसा ही होना था। और फिर कृष्ण भगवान की कृपा तो हमेशा हम पर बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। माँ जी देखिए, आज मुझे मेरा बेटा मिल गया। बस मेरा बेटा इतना कमजोर कैसे हो गया? ऐसे नहीं रोते हैं, शांत हो जाओ। माँ, मेरी वजह से आपको इससे कहा? मैंने कहा मेरी वजह से आपको नहीं, इससे पहले क्या कहा? माँ, सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे कैसा लग रहा है। आपने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दी। माँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो क्या? तो मैं तो जीते जी मर जाता ना। कुछ तुम्हें हो जाता तो मैं कैसे जी पाती? एक माँ का फर्ज सिर्फ अपने बच्चे को कोख में रखकर जन्म देना ही नहीं है, बल्कि अपनी आखिरी सांस तक उनकी ढाल बनकर उनकी रक्षा करना होता है। मैं एक बार तुम्हें खो चुकी हूँ रमा, और दोबारा तुम्हें खोने का ख्याल भी मेरे लिए 100 मौत मरने जैसा है। मैंने आपकी हमेशा इंसल्ट की, हमेशा आपको टॉर्चर किया, कभी आपकी बात नहीं सुनी। मुझे तो सॉरी बोलने में भी शर्म आ रही। नहीं रमाकांत, ऐसा नहीं बोलते। सच तो ये है, मैं आप जैसी मॉम डिजर्व ही नहीं करता। मैं इस फैमिली को भी डिजर्व नहीं करता। प्लीज माँ, मुझे सजा दीजिए, निकाल दीजिए मुझे इस घर से बाहर। जिस बच्चे को अपने अपने खून से एक माँ सींचती है, उसे अपनी जिंदगी से निकालने का मतलब है अपने शरीर का एक अंग को काट देना, जो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। तो तुमने किया, वो तुम्हारी नादानी थी। दूसरों के बहकाव में आकर तुम रास्ता भटक गए थे रमाकांत।
तुम्हारे दिल में कपट नहीं था, और जब तुमने समीरा और पिंकू की सच्चाई जाना तब तुमने उनका साथ नहीं दिया बल्कि हमारा साथ दिया। तुमने सही का साथ दिया है रमाका। अगर मेरे बच्चों को बचाने के लिए मुझे मुझे खुद की जान देनी पड़ी ना, तो बिना सोचे मैं हंसते हंसते दे दूंगी। प्लीज ऐसा मत कहिए माँ, मैं ऑलरेडी एक मॉम खो चुका, अब मैं आपको नहीं खोना चाहता, इसलिए आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए आप मेरे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालेंगी। हम तीन आपकी बहुत जरूरत है। मॉम अभी तो आपको मेरी बहुत सारी बैड हैबिट्स को सुधारना, मुझे डांटना है, मेरे कान खींच के मुझे सही रास्ते पे लाना, ये तो मुझे आपसे भी सॉरी बोलना है दादी, क्योंकि मैंने आप लोगों को हमेशा तंग किया, मैंने तो आप सबको बहुत तंग किया, एंड आई एम श्योर कि आप लोग मुझे जरूर माफ करेंगे, करेंगे ना दादी? बच्चे गलती करे तो ये तो उनका हक है, पर उन्हें सही मार्ग पर लाना हम बड़ों का फर्ज है। हर एक बात गांठ बांध लेना रमाकांत, अब यदि दोबारा गलत राह पर गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गए? अब आप जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे आपकी ब्लेसिंग और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अरे ये क्या हो रहा है? लो याद रोने धोने का प्रोग्राम चालू है। ओ गोपिका जी तुम्हें क्या हुआ? माना कि तुम बहुत बहादुर हो, पिस्तौल की गोली तो आपने ऐसे खाली जैसे विटामिन की गोली है, लेकिन कभी कभी शांति से बैठना चाहिए। चक्की, धर्म कुमार, आप दोनों का बहुत बहुत आभार, उन तीनों को आप लोगों ने बड़ी बहादुरी से पुलिस के हवाले किया। बहुत टेंशन हो रही थी, हम लोग आपका कब से इंतजार कर रहे थे। वो तीनों नमूने हमारे घर में ही छिपे हुए थे, अब सारी जिंदगी जेल में काटेंगे। पुलिस के हवाले करने से पता क्या किया? हमने उनसे तांडव करवाया, अच्छे से निचवाया, उसके बाद मन को शांति मिली, फिर जाके पुलिस के हवाले किया कि इनको इनके घर में लेके जाए। जग्गी अंकल, मैंने आपको हमेशा हर्ट किया, स्पेशली तब जब आप व्हीलचेयर पे थे। ओ गोपिका, ये क्या मुझसे माफी मांग रहा है? मुझे प्रपोज कर रहा है? माफी ही मांग रहा हूँ। टुडे आई रियलाइज कि मैंने आपको हमेशा परेशान किया, आपको हमेशा ट्रबल दिया, कभी भी आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं करी, बट स्टिल आपने कभी भी गिव अप नहीं किया। और सिंगापुर में मेरे अपने डैड के साथ
मेरे कभी भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं थी, और जो मेरे रियल डैड थे उनसे तो मुझे मिलने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं अपनी लाइफ में एक फादर फिगर को मिस कर रहा हूं, जो मेरी मॉम के साथ मिलके मुझे सुधारे। जरूरत पड़ने पर मेरे कान के नीचे दो थप्पड़ मारे। क्या आप मेरे पापा बनेंगे? मैं थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा साइको, लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने मैजिक से मुझे सीधा कर सकते हैं। अरे बस कर, ये रोने धोने का प्रोग्राम ना बिल्कुल अच्छा ही लगता मुझे, और वैसे भी उन लोगों का जो मेरे अपने हो, जब उनकी आंखों से आंसू निकलते ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा ही लगता। क्या बोलते मामी आंटी? और वैसे भी तूने तो मुझे आज अपना बाप माना, मैं तो पहले दिन से तुझे अपना बेटा मान रहा हूं। और वैसे ही पापा ने मैं सारे काम तो कर ही चुका हूं, अकल ठिकाने लगाना, चपेट लगाना, बस एक काम बाकी, गले लगाना। अरे चलो भाई चलो, ये रिकी टिकी ने ना फालतू में सबको सेंटी कर रखा है, और वैसे भी भैया ससुर दामाद की जोड़ी ना बहुत मेहनत मजदूरी का काम करके आए हैं। चलो बहुत भूख लगी है, अरे चलो ना मामी आंटी जल्दी से खाना खिलाओ। गोपी माता की जय हो। ये क्या हो गया आपको जग्गी जी, क्या कर रहे हैं आप? और क्या, वो सब छोड़ो, पहले बैठो तो यहाँ से, मारी बात ध्यान से सुनो। माना तुम्हें एक सुबह गोली लगी है, और अभी तुम क्या आराम करने के बजाय यहाँ टहल रही हो? जग्गी जी मैं ठीक हूँ। अरे माना कि तुमने हॉस्पिटल की मेंबरशिप ले रखी है, वो भी लाइफ टाइम की, है ना? तुम्हारा तो आउटगोइंग इनकम ही चालू ही रहेगा। लेकिन भाई अपना ना ही सही, कम से कम हमारा तो सोचो। हॉस्पिटल तुम जाती हो लेकिन प्रेशर मेरा बढ़ जाता है। गोपी का ऐसे मत करो, अब बस बहुत हो गया, आप जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि मैं तुम्हें घुमाने लेके जा सकूं ठंडी ठंडी वादियों में, वहां जाके गाऊं नाचूं आराम करूं मस्ती में झूमूं, और तुम मुझे फिर डांटना मत वहां पे। प्यार से कहना कि जग्गी जी जग्गी जी सपने से बाहर आइए। जग्गी जी लगते रहिए। जग्गी जी इस वक्त खुद सपने देखने से ज्यादा ये सोचिए कि किसी के सपने को टूटने से कैसे बचाए। मतलब यही जग्गी जी, सीता को अभी भी यकीन नहीं है कि रमाकांत बदल गया है, उसका प्यार सच्चा है। सीता अभी भी यही समझ रही है कि रमाकांत सिया से ही प्यार करता है। अरे उसने काम ही ऐसे से किए हैं कि वो बेचारी कंफ्यूज है कि वो सीता से प्यार करता है या सिया से। अरे हाँ जग्गी जी ये तो हम भी जानते हैं, पर अभी इसका सलूशन तो निकालना होगा ना, यही सोचना है कि इस गलतफहमी को कैसे दूर करे। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि करूँ तो क्या करूँ। अरे लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं? देखो गोपिका, उन दोनों को थोड़ा वक्त दो, स्पेशली सीता को, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। अगर वक्त बीतने के साथ साथ सीता जो सोच रही है वो अगर और उसका फैसला अगर और ज्यादा मजबूत हो गया तो? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। जग्गी जी इससे पहले कि दोनों के बीच की दूरियां और ज्यादा बढ़ जाए, हमें सीता को ये यकीन दिलाना होगा
कि रमाकांत बदल गया है और वो सिया से नहीं बल्कि सीता से प्यार करता है और उसका प्यार सच्चा है और उसे ये एहसास दिलाने के लिए हमें ही कोई कलाकारी करनी होगी। लो आ गई कलाकार मामी आंटी। हाँ जकीड़ा, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सीता रमाकांत को माफ कर दे और उसके लिए पहले हमें ये विश्वास दिलाना होगा कि रमाकांत सच में सुधर गया है। मामी आंटी ऐसा करेंगे क्या? ये मैंने सोच लिया। सीता, एक्चुअली मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं। I just need one more chance. But trust me, I really love you. Just get lost from here. वैसे शादी कैसे कर सकता हूँ? बहुत ही बोरिंग और इरिटेटिंग लड़की है। ऐसे घूर क्यों रही हो तुम इन्हें? ये है मेरी टाइप की लड़की। नहीं रिकी, ये प्यार नहीं है। प्यार को प्यार भरा मौका देकर तो देखो। ये सब क्या है? हम सब हमारे बेटे रमाकांत के लिए तुम्हारा हाथ मांगने आए। ये शगुन स्वीकार करके क्या तुम हमारे इस प्रस्ताव से सहमत हो? मुझे पता है कि तुम मना नहीं करोगी और मुझे ये भी पता है कि इस सुहाग के जोड़े में और इस गहने में तुम यानी मेरी पोता बहू बहुत सुंदर लगेगी। स्वीकार कर लो इसे। सीता मैं इतना क्या सोच रही है? दास और बड़ी सास के रूम में दो दो माएं मिल रही हैं तुझे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे? फिर मंदिर का दिया उठा के भी जाएगी ना ढूंढने, तब भी नहीं मिलेंगे। अरे मेरी माँ जल्दी यहाँ कर, सोच कर रही है। सीता, मैं बहुत अच्छे से तुम्हारी दुविधा को समझ रही हूँ, पर हर इंसान को सुधरने का मौका तो देना चाहिए ना। हम सब जानते हैं कि तुम और रमाकांत एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो, तो सीता इतनी आसानी से अपने इस प्यार को हारने मत दो। जानती हूँ कक्की, मैं जानती हूँ कि रिकी बदल गया है, लेकिन अगर उसका ये बदलाव सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहा तो कुछ दिनों बाद अगर उसको अपने फैसले पर अफसोस हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी कक्की। तू गलत सोच रही है दिकरा। जब तू सीता से सिया बनी तो समीरा और पिंकू ही नहीं रिकी को भी शक था कि तू सीता ही है और तुझे सिया साबित करने के चक्कर में हमने कितने पापड़ बेले, तुझे पता है ना कितनी कलाकारियां की। अरे तेरी मदद करने के चक्कर में वेवांजी, मुझे तो खिड़की में फंसने का सौभाग्य भी प्राप्त हो चुका है और तो और जापानीज हीशा भी बनी हूं मैं, पर फिर भी रिकी का शक हम दूर नहीं कर पाए। और तू भी ये जानती है कि तुझे सीता साबित करने के लिए रिकी ने भी कितने पापड़ बेले हैं। ये तो सब तब सच हुआ जब हमने तेरा पुतला बनवाया, सीता और सिया दोनों को लाकर रखा। Thank you.
इसका मतलब समझ रही है ना तू दिकरा, उसे सिया में भी सीता ही दिख रही थी। प्यार शक्ल और कपड़े से नहीं होता, प्यार तो एक दूसरे के दिल के जब तार जुड़ जाते हैं ना तब होता है। और विक्की के दिल का तार तेरे दिल के तार से जुड़ गया था, इसीलिए तो सब कुछ जानने के बाद भी उसने तुझे शादी का प्रस्ताव दिया। अगर अब भी तुझे भरोसा नहीं है तो मेरे पास एक तरकीब है ये साबित करने के लिए, वो अभी भी सीता से ही प्यार करता है। तरकीब? हाँ है ना, तू बोल करूँ कलाकारी। तुम दावा करते हो कि तुम सीता से सच्चा प्यार करते हो, तो तुम्हें अपने सच्चे प्यार का इम्तिहान देना होगा। तुम्हें इन सब में से ये बताना होगा कि तुम्हारी सीता कौन है। ये सोना भाभी इतना स्माइल क्यों कर रही है? और ये उनके हाथ में क्या है? विक्की ये तुम्हारे लिए। क्या हुआ, लो ना। अब ऐसे देखते ही रहोगे या खोल के पढ़ोगे भी? आगे तो चलो। सीता को? सीता को सच में प्यार करते हो? आगे बढ़ो। बढ़ो। तो बताओ उनमें से सीता कौन है? दावा करते हो कि तुम सीता से सच्चा प्यार करते हो, तो तुम्हें अपने सच्चे प्यार का इम्तिहान देना होगा। इम्तिहान? एग्जाम। तुम्हें इन सब में से ये बताना होगा कि तुम्हारी सीता कौन है। अगर इनमें से तुमने सीता को पहचान लिया तो फिर समझ जाना तुम इस इम्तिहान में पास हो गए। और अगर तुम सीता से सच्ची में प्यार करते हो तो ये आठ लड़कियां क्या,
तुम 80 लड़कियों में से भी सीता को पहचान लोगे। I guess it's the same bangles मैंने कुछ दिनों पहले सीता के हाथ में देखे थे, but ये सीता नहीं हो सकती। जिस भी कमरे में होती थी सिर्फ उसकी पायल की आवाज से मुझे पता चल जाता था कि वो कहाँ है। लेकिन अफसोस आप भी मेरी सीता नहीं हो। सिर्फ मुझे ही नहीं, कान्हा जी को भी मोगरे के फूल बहुत पसंद है। मेरी सीता को भी मोगरा बहुत पसंद है। लेकिन अफसोस आप भी मेरी सीता नहीं। मैं जिससे प्यार करता हूं वो ये तुमने कैसे जाना कि घूंघट के पीछे मैं ही थी? क्योंकि मुझे मेरी सीता को पहचानने के लिए किसी ज्वेलरी या फूलों की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हारी पैरों की उंगलियों को पहचानता हूँ। क्योंकि जब भी तुम नर्वस होती हो हमेशा अपने पैर के अंगूठे को ट्विस्ट करती हो। मुझे तुम्हारा फेस तो नजर नहीं आ रहा था लेकिन तुम्हारी नजरें झुकी हुई थी। Because you were nervous. Am I right? मैं जानता हूं कि मैं एक परफेक्ट इंसान नहीं हूं लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक अच्छा हस्बैंड जरूर बनता। आज तक मैंने जितनी भी इंसल्ट किया तुम्हारी उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए मुझे एक पूरा जन्म लगेगा। तो क्या तुम अपना ये जन्म मेरे नाम कर सकती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी सीता? दीवानगी आवारगी तुझसे ही है जिंदगी में ये आशिकी। बिन तेरे मैंने भी बिन तेरे ऐसे जिए जिंदगी
जैसे थी कोई कमी, अब तो दुआ है यही कम ना हो दीवानगी, दीवानगी आवारगी, तुझसे ही है जिंदगी में ये आशिकी। तुम इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो, तो शायद मेरा पैर स्लिप हो गया। कितनी अच्छी शुरुआत हुई है तुम दोनों के जीवन में, एक गिरा तो दूसरे ने संभाला, बस इसी तरह से एक दूसरे को संभलते हुए चलना, और अगर ऐसे ही चले ना तो जिंदगी हंसते खेलते गुजर जाएगी। जी पता मैंने क्या किया, साहिल को बोल के ना इन दोनों के लिए हनीमून टिकट्स भी बुक करवा दिए हैं। कहाँ भेजे हैं पता है? मालदीव। बहुत अच्छी बात है। गोपिका सुना लगे आज तुम भी अपने टिकट करवा? क्या? अरे गोपिका, अरे अगर बच्चे मालदीव जा सकते हैं तो माँ बाप क्या मथुरा नहीं जा सकते हैं? पहले बच्चों की शादी करवा ले, चलिए। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वान साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। अबर बंधु के गले में वरमाला डालेगा। आगे आइए। कन्या भर के आगे आएगी।
से जिए जिंदगी जैसे थी कोई कमी, अब तो दुआ है यही कम ना हो दीवानगी, दीवानगी आवारगी, तुझसे ही है जिंदगी में ये आशिकी। अखंड सौभाग्यवती भव। अरे टिक्की कमाल बात सीता भैया, इसको अच्छे से खा रखना ठीक है, राम विजय साथ लेके चलना। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड का सबसे लकीस्ट इंसान, जो मुझे भगवान ने इतनी बड़ी फैमिली दी। ये फैमिली तुझे बड़ी लगती है? इससे भी बड़ी है हमारी फैमिली। अभी तो इस फैमिली में आधे लोग तो है ही नहीं। आई नो नानी, और मैं फैमिली की पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। बा, बड़े दादा, बड़ी दादी, जिगर काका, परी आंटी, मोना, एंजल बुआ, धवल फूफा, इन सबको मैं जानता हूँ। ना इन सबको मैंने कभी देखा है और ना ही इनसे कभी मिला हूँ, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को बहुत मिस कर रहा हूँ। काश ये लोग आज हमारे साथ होते। अगर सब लोग आज यहाँ मौजूद होते ना, तो आज यहाँ की रौनक ही कुछ और होती। और सबसे पहले अगर तुम्हारी परिधि चाची होती ना, तुम दोनों के कपड़े किसी स्पेशल डिजाइनर से स्पेशली बनवाती। और अगर तुम्हारे जिगर चाची होते, तब तो की शादी का सारा तामझाम सब कुछ वो अपने हाथों से करते। और तेरी तो अपने जिगर चाचू के साथ बहुत बनती, क्योंकि वो तुझे अपना भतीजा नहीं बल्कि दोस्त बना कर रखते। और घर में नई बहू आ रही है ये देखकर मोटा भाभी ने अब तक तो रो रो कर सबको रुला दिया होता। हाँ वेवान जी, कभी कभी मुझे मोटा भाभी का रोना बहुत याद आता है। और बड़े दादू? उनका तो पूछो ही मत। मोटा भाई का वो इतने उत्साहित होते तुम्हें देखकर, तुम्हें सबसे पहले ऑफिस लेकर जाते और मेरा पोता करके सबसे मिलवाते। कोकिला, आज मुझे बाकी बहुत याद आ रही है। भाई यहाँ होती तो कितना अच्छा होता। हाँ अहम के पापा, अपनी तीसरी पीढ़ी की बहू को देखकर बा आज खुशी से फूली नहीं समाती। मिला बहन, क्या हुआ? कुछ नहीं, राशि की याद आ गई। राशि अगर यहाँ होती तो कितना नाचती गाती। बिल्कुल, आज अगर राशि बहन होती ना, सबको यहाँ दौड़ाती तो कभी वहां दौड़ाती, और अगर कुछ भी गड़बड़ होता ना तो वो सबकी क्लास भी ले लेती। अगर मेरी माँ बिल्कुल ठीक होती ना, तो अपने बेटे को ससुर बनते हुए देखकर पागल ही हो जाती। मासी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और डॉक्टर ने कहा है ना कि घबराने की कोई बात नहीं। देख रही हो गोपी, आज हमारा पूरा परिवार एक साथ है, और सच कहूँ तो इस घर की हर एक ईंट में कोई ना कोई याद जुड़ी हुई है। हर दीवार में कई लम्हे कैद है। हाँ माँ जी, वो हर लम्हा हर एक पल मुझे आज भी याद है। इस घर की हवा में आज भी वो आवाजें, वो किलकारियां मुझे सुनाई देती हैं। Oh,
गोपी, इतने दिनों बाद मुझे तुम्हें गोपी बहू कहने की इच्छा हुई है। हाँ माँ जी, पर शो हो गया कि आपने मुझे बहू कहा ही नहीं। एक बार बहू कह दीजिए ना, मेरा भी सुनने का बड़ा मन हो रहा है। गोपी बहू, हम अपने परिवार को एकजुट रखने में सफल तो हुए ना? आपने सब कुछ सिखाया है, तो फिर सफल कैसे नहीं होते? इतनी सारी कठिनाइयां आई, फिर भी आज देखिए ना, हमारा पूरा परिवार साथ है, तो सफल ही हुए हैं ना माँ जी। लेकिन माँ जी एक बात कहूँ, आपके साथ के बिना मेरे लिए जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता। कृष्ण भगवान को साक्षी मानकर कहती हूँ गोपी, यदि तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं जी नहीं पाती। मैं आजीवन कृष्ण भगवान की ऋणी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में आई, बहू बनकर नहीं बल्कि बेटी बनकर। और मैं भी कान्हा जी की जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। एक सास के रूप में मुझे मुझे एक माँ दी थी। आंटी जी प्लीज एक फैमिली फोटो हो जाए। हाँ चलो तुम आ जाओ। अरे भाई साहब, आपको वाइड एंगल लगाना पड़ेगा ताकि हमारी पूरी फैमिली एक फ्रेम में आ सके। रियल को सीता की गोद रख दूँ। हाँ अब तुम भी प्रैक्टिस कर लो सीता भाभी। स्माइल प्लीज।